हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई वेद पीके में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ज्ञान सेतु सुबोध के विज्ञान भाग को। तो चलिए, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, ये रहा आपका सवाल आपके स्क्रीन के सामने। तो आज का जो पहला सवाल है वह आपका आकलन कार्यपत्रक 1 से है और यह कक्षा आपका 8 है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि आज का पेज नंबर कितना है, तो आज का आपका पेज नंबर 70 यानी कि 70 होने वाला है। और उसके बाद जो पेज नंबर होगा वह आपका 71 यानी कि 71 होगा। तो चलिए, आज के दिए गए सवाल को पढ़ते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। दिया गया है सोयाबीन और मूंगफली निम्नलिखित में से किस वर्ग की फसल है। तो आप सभी जानते हैं सोयाबीन और मूंगफली जो है वो कौन सी फसल है, खरीफ की फसल है। इसलिए आपका आंसर जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर ख, दिया गया है वर्तमान में जुताई में प्रयुक्त होने वाले यंत्र क्या हैं। तो आप सभी जानते हैं कि आजकल कुदाली और हल का उपयोग समाप्त हो जा चुका है, इसलिए आजकल जो उपयोग हो रहा है वो किसका हो रहा है, कल्टीवेटर का उपयोग हो रहा है। तो आज का आंसर हो जाएगा आपका स। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो हमको सवाल नंबर ग दिखता है और दिया है निम्नलिखित में से सिंचाई का प्रारंभिक तरीका, पारंपरिक तरीका क्या है। तो आपको पता है कि छिड़काव तंत्र, ड्रिप, बाद के तरीके हैं, लेकिन सबसे पहला जो तरीका हमारे यहाँ था वो क्या था, ढेकली का, रहट का, इन सब का। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अ। तो जब इसके आगे हम चलेंगे तो घ नंबर में सवाल में दिया है दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है। तो आप सभी जानते हैं कि दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है, तो यह आपका थ्रेसिंग कहलाता है। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आंसर नंबर ब। तो आप लोग लिखते चलिए ब। उसके बाद जो आपका है यह नंबर आंसर दिया है यूरिया, पोटास, सुपर फॉस्फेट निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं। क्या यह बीज है, नहीं। क्या यह ह्यूमस है, नहीं। क्या यह खाद है, नहीं। तो ये क्या है आपके, तो यह आपके उर्वरक हैं। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब। तो चलिए, उसके बाद चलते हैं अब सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें है एक ही किस्म के पौधे जब बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जब एक ही प्रकार के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। जी बिल्कुल सही, उसे हम लोग कहते हैं फसल। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फसल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या दिया है आप लोग मेरे साथ पढ़िए। सवाल में बोला गया है अलसी और गेहूं फसल के उदाहरण है। कि अलसी और गेहूं किस फसल के उदाहरण है। तो आप सभी जानते हैं कि अलसी और जो गेहूं है वो आपके रबी फसल के उदाहरण है। तो यहाँ पे इसके जो आंसर हैं वो क्या हो जाएंगे, तो यह आंसर आपका हो जाएगा रबी। ठीक है, तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसका आगे जो सवाल नंबर ग है वह यहाँ पे दिया गया है कि तो दिया गया है कि बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण डैश और डैश में किया जाता है। तो आप सभी अपने पाठ्यपुस्तक में पढ़े होंगे कि इनका जो भंडारण होता है वह कहाँ होता है। तो इसका भंडारण आपका साइलो और भंडार गृह में किया जाता है। तो साइलो और कहाँ होता है, तो भंडार गृह में। और भंडार गृह में इसका भंडारण किया जाता है। इसके बाद जो आपका अगला सवाल है वह इस प्रकार है कि हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप कौन सी मशीन कहलाती है। तो आप सभी जानते हैं कि इस मशीन को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं कंबाइन मशीन। क्या कहते हैं इसको, बोलते हैं कंबाइन मशीन, COM, कंबाइन मशीन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो आपका सवाल है, सवाल नंबर यहाँ वो आपको दिख रहा है कि फसल के साथ उगे अवांछित पौधे को क्या कहते हैं। तो सभी जानते हैं इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं खरपतवार। तो खरपतवार हो गए यहाँ पे आपके सही जवाब। तो चलिए, उसके आगे हम बढ़ते हैं, आगे के सवाल को देखते हैं। दिया गया है कि सही उत्तर का मिलान कीजिए। चलिए, मैं सही उत्तर के मिलान करने की कोशिश करते हैं। तो पहला दिया है दराती और हार्वेस्टर। आप तो जानते हैं कि दराती और जो हार्वेस्टर है वो क्या है, कटाई, सॉरी, ये आपका कटाई के उपकरण है। ड्रिप तंत्र, रहट और जो योट हैं, आप सभी जानते हैं कि सिंचाई के तरीके हैं। पोंगल, बैसाखी, होली, ये सब क्या है, तो कटाई के पर्व हैं।
पेड़ पौधों को पोषक प्रदान करने वाले रासायनिक पदार्थ उर्वरक कहलाते हैं। और वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली जो फसलें हुए वो क्या है, वो खरीफ फसलें हैं। तो ये हो गए आपके आंसर। तो चलिए इसके बाद के सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 4 दिया गया है, निम्न में से जो अलग है उस पर घेरा लगाइए और अलग क्यों है कारण लिखिए। देखिए, मोट पारंपरिक तरीका है सिंचाई का, रॉड पारंपरिक तरीका है सिंचाई का, चैन पंप पारंपरिक तरीका है सिंचाई का, लेकिन जो ड्रिप तंत्र है वह ड्रिप तंत्र आपका पारंपरिक तरीका नहीं है। तो ड्रिप तंत्र पे हमें क्या लगाने हैं, तो यहाँ पे हमें गोल घेरे लगाने हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि ड्रिप तंत्र सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका नहीं है। चलिए लिखते हैं। ड्रिप तंत्र सिंचाई का पारंपरिक तरीका नहीं है। ये हो गए यहाँ पे इसके आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है हाल कल्टीवेटर और सीड ड्रिल में, तो देखिए हाल और कल्टीवेटर काम जुताई करना, सीड ड्रिल का काम जुताई करना है क्या नहीं, तो इनमें क्या है, इसमें आंसर क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे यहाँ पे आपके सीड ड्रिल। तो क्या लिखेंगे कि सीड ड्रिल एक जुताई का उपकरण नहीं है। सीड ड्रिल जुताई के औजार सीड ड्रिल जुताई के औजार नहीं है। ठीक है, तो पेज नंबर 70 इस तरह से आपका समाप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज पे, जो कि हमारा पेज नंबर 71। तो पेज नंबर 71 का जो पहला सवाल है, यह सिंचाई की आधुनिक विधि कौन सी है, यानी परंपरागत विधियों से किस प्रकार भिन्न है। तो मैंने अब बताया है आप लोगों को सिंचाई की जो आधुनिक विधि है वो क्या है, ड्रिप तंत्र था स्प्रिंकलर। तो लिखेंगे कि ड्रिप तंत्र और स्प्रिंकल देखिए, स्प्रिंकलर ये नहीं लिख पा रहा है सही, कोशिश करते हैं लिखवाने की क्या होता है स्प्रिंकलर। तो चलिए इसके जगह पे इसका हिंदी नाम लिखते हैं, क्या होता है इसका हिंदी नाम, इसका हिंदी नाम होता है छिड़काव। ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र, सिंचाई के आधुनिक साधन हैं। तो ड्रिप तंत्र छिड़काव तंत्र क्या है, तो ड्रिप तंत्र छिड़काव तंत्र सिंचाई के आपके आधुनिक साधन हैं और इसके द्वारा जल की बचत होती है। हो गए यही आपके आंसर। तो चलिए इसके अगले सवाल को देखा जाए। दिया है मिट्टी तैयार करने के लिए आप हल और कल्टीवेटर में किसका चुनाव करेंगे और क्यों। तो लिखेंगे क्या, किसका चुनाव कीजिएगा आप लोग, तो हल का या हल कल्टीवेटर का, तो बोलिए कल्टीवेटर का चुनाव करेंगे। वेटर का चुनाव करेंगे क्योंकि यह कम समय में, क्योंकि यह कम समय में तथा
अच्छी प्रकार से जुताई कर सकती है। कि अच्छी प्रकार से जुताई कर सकती है, ये हो गया इसके जवाब। तो चलिए इसके बाद के सवाल को देखा जाए। इसका बाद का सवाल दिया है 7 नंबर, खरपतवार हटाने के लिए इसमें रसायनों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? तो क्या लिखेंगे? क्योंकि रसायनों के अधिक द्वारा रसायनों के अधिक प्रयोग द्वारा मृदा की उपजाऊपन उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है तथा तो फसलों की गुणवत्ता भी कम हो जाती है। तो ये हो गए यहाँ पे आपके इसके जवाब। तो चलिए इसके आगे के प्रश्न को देखते हैं। इसके आगे का प्रश्न क्या पूछा गया है? दिया है कि सुरेश के खेत में पौधे का वितरण असमान है, इसमें कृषि पद्धतियों के किस कारण का ठीक से अनुसरण नहीं किया गया है, आप इसमें सुधार के लिए क्या सुझाव देंगे? यह यहाँ पे पूछा गया है और आपको यह बताने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका जवाब। तो देखिए, पौधों का वितरण अगर असमान है, इसका मतलब है कि इसमें बुआई जो है वह एक सुव्यवस्थित तरीके से नहीं की गई है। मतलब इसे बुआई क्या करनी चाहिए? व्यवस्थित तरीके से करनी चाहिए। तो लिखेंगे कि बीजों की बुआई व्यवस्थित तरीके से नहीं की गई है। बीजों की बुआई अच्छे एवं सुव्यवस्थित तरीके से नहीं की गई है। सुव्यवस्थित तरीके से नहीं की गई है। बुवाई अच्छी तरह से करने से अच्छी तरह से करने से यह समस्या हल हो जाएगी। कि अगर अच्छी प्रकार से करेंगे तो यह जो समस्या है क्या हो जाएगी? हल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पे इसके आपके जवाब। तो चलिए उसके बाद के सवाल को देखा जाए। दिया है, सोहन के दादाजी सिंचाई की आधुनिक विधियों के प्रयोग के पक्ष में नहीं है, आप उन्हें सिंचाई में जल संरक्षण हेतु किस प्रकार जागरूक करेंगे? उनको यह बताएंगे कि इन विधियों द्वारा
सिंचाई करने से कम पानी में अधिक फसलों को उपजाया जा सकता है। ठीक है, कि आप उन्हें बताइएगा कि अगर आप इन विधियों से सिंचाई करते हैं तो आप कम पानी में यदि फसल को उपजा सकते हैं, तो वह भी इस विधि से सिंचाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बोला धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता, तो धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता, चलिए लिखते हैं। धान को शीत ऋतु में नहीं उगाया जा सकता, क्योंकि धान को अधिक जल की आवश्यकता होती है, जो जो शीत ऋतु में उपलब्ध नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है, तो इस तरह से ये हो गए इसके आंसर। ठीक है, तो चलिए अब अगले सवाल को देखा जाए। अगला सवाल है कि खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है, सारणी बनाइए। तो चलिए बताते हैं, दोनों में तीन तीन अंतर दिए गए हैं, तो चलिए दो दो अंतर दोनों में बता देते हैं। पहला लिखेंगे कि खाद एक कार्बनिक खाद क्या, तो खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, दूसरा क्या लिखिएगा, खाद से मृदा के जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, तो क्या होती है, तो खाद्य कार्बनिक पदार्थ में जल धारण क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। साथ में इससे मृदा की उर्वरता में सुधार होता है। ठीक है, तो चलिए अब लिखते हैं उर्वरक के बारे में। तो सबसे पहले उर्वरक क्या है, तो उर्वरक एक अकार्बनिक पदार्थ है, ए कार्बनिक पदार्थ है, दूसरा क्या है, तो इससे मृदा की जल धारण क्षमता में कमी होती है, जल धारण क्षमता में कमी होती है।
और अगला क्या होगा कि इससे जो मृदा है वो उसकी उपजाऊपन क्या हो जाती है, कम होती है। तो इससे मृदा की क्षमता में कमी होती है। तो यहाँ पे ये हो गए इसके आंसर। तो आप इसको इसी तरह से नोट कर लें। तो आज का वीडियो चलिए यहीं तक रखते हैं। वीडियो समाप्त करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत वीडियो के नीचे लाल रंग में आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ऐसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।